वो एरिया के हिसाब से चीज रखना पड़ता है। यहाँ पर जी पास्ता रेडी हो चुका है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर जी मैं सिस्टर के घर आई हुई हूँ। कल से आई थिंक आई हुई हूँ, बिहाड़ी गई हुई थी पहले, उसके बाद सिस्टर के घर आ गई, तो मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया। आज यहाँ पे स्टार्ट करें। आज मैंने अपनी फ्रेंड की बेटे की बर्थडे पे जाना है, तो यहाँ से ही मैं गिफ्ट लेने जा रही थी, तो मैंने कहा अपना व्लॉग यहीं से स्टार्ट कर लेती हूँ। यहाँ से पहले हम गिफ्ट लेंगे, फिर घर जाएंगे, देन उसके बाद तैयारी करेंगे कि कौन से कपड़े पहनने हैं। तो यहाँ पर मैं ऊपर आई थी चीज़ें लेने के लिए, शॉल लेने के लिए, अम्मी का हैंडबैग लेने के लिए आई थी, और आपी का गाउन लेने आई थी, और अपने लिए भी शॉल लेने आई थी। तो चलते हैं मार्केट में, देखते हैं कौन सा गिफ्ट मुझे पसंद आता है। तो चैनल पे नहीं हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, और मुझे अपना अच्छा सा फीडबैक ज़रूर शेयर किया करें। तो लेट्स रो ब्लॉग को आगाज़ करते हैं। यहाँ पर जी मैं गिफ्ट शॉप पे आई हूँ। जी जी पैकिंग करवानी है। जी जी पैकिंग करनी है। कोई अच्छा सा पेपर कलर, यही कलर। अच्छा चल, ये यहाँ पे गिफ्ट पैक कर, आप पहले रेट तो सही से लगा लें। आपको बाल के नहीं सूट करती है, ऐसे ही माशाल्लाह। आप टीचर लगती है, ये मैडम लगती है, वो माशाल्लाह से प्रिंसिपल लगती है। पेड़ पे बनो, ये तो साहब रेट ठीक है। नहीं आप देखो, बस चलो भाई रेट ठीक लगाए। इनकी शॉप पे काफी वैरायटी पड़ी हुई है, बड़ी ही खूबसूरत शॉप है, हर तरह की प्राइस है। क्या प्राइस है उसकी? वो 1250 का। अच्छा अब है न्यू मुल्तान की? बहुत अच्छी चीज है, गली में जगह नहीं मिल रहा था। मार्केट का नेम क्या? जद्दा मार्केट है, यहाँ मशहूर है। अच्छा, मेरी परचेजिंग है सारी लाहौर की, लेकिन अब जान सकते रेंट महंगे हो गए हैं, तो वरना मेरे पास आइटम इस वक्त जीरो पे है, वरना मैं बहुत अच्छी वैरायटी रखने वाला हूँ, क्योंकि हमारी फैमिली रहती सारी नशे में, तो हमने म्यार भी हम वैसा रखा था, लेकिन ऐसे कस्टमर 10% आते हैं इस एरिया में। वो एरिया के हिसाब से चीज रखना पड़ता है। जी हम घर आ गए थे, उसके बाद मैं ये चीज़ें लेकर आई हूँ। बेसिक सी चीज़ें, ये चुटकियाँ हैं, और ये छाननी है, और ये अम्मी ने लास्टक वगैरह लिया है, ये मैंने खुस्सा लिया है। ये खुस्सा देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है, हर चीज़ के साथ ले सकते हैं। और ये पोनीज ली थी, मुझे अच्छी लग रही थी। और ये नेल पेंट है ब्लैक कलर का, उसके बाद दो ये वाले नेल पेंट हैं, कलर इतना यूनिक लग रहा था ना, तो मैंने ये लिया है, और ये डार्क कलर लिया है। ब्लैक तो फिर ऑलमोस्ट फेवरेट। तो और ये लिपस्टिक से दो शेड्स लिए हैं, ये वाला लिपस्टिक का कलर इतना अमेजिंग है, और साथ लिपस्टिक है और साथ लिप ग्लॉस भी है, और ये वाला शेड भी लिया एक। दोनों आप कैमरे में लग रहे होंगे सेम है, बट डिफरेंट है। और ये जी हर घर की ज़रूरत, बिल्कुल। और ये स्टिक्स लिए हैं यहाँ पे चिकन को आप करने के लिए, मैंने थोड़ी सी। और ये लिए है कढ़ाई सालन वगैरह बनाने के लिए, अभी अलहदा है इसको सेट करना है इस तरह से। हाँ पुराने बर्तन दे के ये नई कढ़ाई लिए, और भी पैसे दले हैं, इतनी महंगाई के दौर में एक चीज़ थोड़ी ना मिलती है। ये शर्ट लिया, ये शर्ट देखें इतनी खूबसूरत है ना, मुझे बड़ी पसंद आई है। ये देख सकते हैं इधर इसकी जिप लाइन है, और इस तरह से सिंपल। सर्दियों में, सर्दी आई नहीं है बट सर्दी की शॉपिंग मेरी शुरू हो गई है जी। ये सारी चीज़ें ली हैं बस इतनी सी, और बस अब घर आ गए तो सिस्टर के, और यहाँ पर ये लोग खा रहे हैं क्या कहते हैं इसको, जापानी फल, और मुझे नहीं पसंद। जो ठीक है, यहाँ पर आप भी ये चीज़ें वाइंड अप करते हैं, उसके बाद घर आ गए थे। उसके बाद यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ पास्ते की, सारी तैयारी कर ली फटाफट से, मम्मा ने हेल्प करवाई कटिंग करवाने में, कुछ मैंने खुद फटाफट कर लिया, और यहाँ पर मैंने रख चुकी हूँ। और इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे, ये पता नहीं क्या हो रहा है, इसको दोबारा वॉश कर देंगे। ऑयल तकरीबन हम लोगों ने यहाँ पर ऑयल ऐड कर देना है हाफ कप जितना। रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड है, फिर भी मैं थोड़ा सा आप लोग को गाइड कर देती हूँ। यहाँ पर चिकन
साल में आप लोग को मेहनत ना करनी पड़े जाके दोबारा देखने की, मैं यहीं पे बता देती। बस चिकन हम यहाँ पे डालेंगे, थोड़ा सा इसको सॉटे करेंगे, इतनी देर आपने इसको पकाना है। बस चिकन हमारा जो है ना वो अच्छे से गल जाए, ठीक है। ऑयल में इतना पकाएंगे, दो मिनट इसके करने के बाद में उसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर देंगे जब इसका कलर चेंज होगा जी। यहाँ पर जो काफ़ी दस तक मैंने बना लिया है, इसमें मैंने स्पाइसेस ऐड किए हैं, ब्लैक पेपर ऐड किया है और थोड़ा सा रेड मिर्च पाउडर ऐड किया है, नमक ऐड किया और वाइट पेपर ऐड किया। वहाँ पर थोड़ा थोड़ा ऐड कर लीजिए। क्वांटिटी मैंने लास्ट टाइम वीडियो जो अपलोड की, मतलब पास्ते की वीडियो अपलोड की, उसमें मैंने डिटेल सब कुछ बताया हुआ है, तो उसका लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग वो भी देख सकते हैं, उसमें बिल्कुल अच्छे से डिटेल बताया हुआ है। तो बस यहाँ पर ये रेडी हमारा हो गया, इसको निकाल के फिर हम वाइट सॉस बनाएंगे। यहाँ पर जी पास्ता रेडी हो चुका है, क्रीम नहीं थी घर में तो मैंने वो नहीं ऐड की, ऐसे ही सॉस बनाकर मैंने इसको बना लिया। बहुत मज़े की और डिलीशियस लग रही है, आप लोग देख सकते हैं, मुझे तो बहुत मज़े की लग रही है। खाते हैं तो फिर बताते हैं जी कैसी। खाना वगैरह खाने के बाद हम लोग, मैं रेडी वगैरह हुई हूँ, मैंने कोई क्लिप नहीं बनाया, तो बस फ्रेंड के घर चली गई। यहाँ पर इन्होंने कुछ भी नहीं किया हुआ, तब सब ने मिलकर यहाँ पर गुब्बारे वगैरह फुलाए और थोड़ी सी डेकोरेशन की, और मतलब ना डेकोरेशन हमारी यहाँ पे डन हो चुकी है। मतलब जो शीट है ना, इस पर ना टेप ही नहीं ठहरती, जैसा सोचा होता वैसा होता ही नहीं है, तो जैसा भी और भी हमने कर लिया मिलकर सबने। ये मूसा के बर्थडे का केक है, और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी क्योंकि जीने ज़्यादा थे रूम में, इसलिए फिर उसके बाद केक कटने के बाद यहाँ पे दही भल्ले और चिप्स थी और साथ कोल्ड ड्रिंक थी, और ये राइस बनाए थे बहुत मज़े के थे, और साथ केक था। और यहाँ पर मूसा जी बड़े मज़े से और शौक से खा रहे अपने बर्थडे का केक, माशाल्लाह 2 साल का हो गया, अल्लाह ताला इसको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की तौफीक दे। उसके बाद मैं घर आ गई थी, टाइम ज़्यादा हो गया था। तो आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आएगा, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिए।